नमस्कार साथियों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा से आ रही है। लाडनू से आने वाले विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा अध्यक्ष ने 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, निलंबन कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए। पिछले 24 घंटों से लगातार विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से बवाल चल रहा था। मुकेश भाकर पर सीधे तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ में दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद में कल है वो टेम्परेली निलंबन किया गया था। उसके बावजूद भी बीजेपी की ओर से जो विधानसभा अध्यक्ष का सीधे तौर पर यही आरोप है कि प्रतिपक्ष के लोग हैं उन्हें शरण दे रहे हैं, और उसके बाद में आज जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि मुकेश भाकर को बाहर जाना चाहिए, और इसी बात पर जबरदस्त बवाल हुआ। और आखिरकार अब देखिए एक प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव के बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने 6 महीने के लिए मुकेश भाकर को सस्पेंड कर दिया। आप देखिए, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो मुकेश भाकर के को कौन कौन सी जो सर्विस या सेवा जो विधानसभा के बतौर विधायक के तौर पर मिलती है वो नहीं मिलेगी। पहला कि वो विधानसभा के अंदर है, उनके कैंपस के अंदर है, वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये अगले छः महीने तक जो मुकेश भाकर है वो विधानसभा का जो पूरा का पूरा परिसर है, कैंपस है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में बतौर विधायक वो जो विधानसभा की जो समितियों की जो मीटिंग होती है उसमें अगले 6 महीनों के लिए शामिल नहीं हो पाएंगे। तीसरा, विधानसभा में किसी भी तरीके का वो विधानसभा के दौरान जो सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अपनी जनता, अपनी विधानसभा को लेकर, वो मुकेश भाकर है वो अगले 6 महीनों तक के लिए नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है, जो विधायकों को भत्ता मिलता है, जो विधायकों को सुविधाओं के नाम पर अनेक जो सुविधाएँ मिलती है वो अब अगले 6 महीने के लिए मुकेश भाकर को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में आप देखिए जैसा आरोप आप देखिए, क्योंकि बड़ा और गंभीर आरोप है वो जो मुख्य सचेतक है उन्होंने लगाया सीधे तौर पर कि कल जब मार्शल है वो मुकेश भाकर को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान मुकेश भाकर ने एक महिला सुरक्षाकर्मी का हाथ काट लिया। अब देखिए ये अपने आप में गंभीर आरोप है कि एक विधानसभा के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, और उसी के बाद में पहली बार मुकेश भाकर है वो बाहर आए, और लगातार कांग्रेस के जो विधायक थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, वो तमाम लोग वहाँ सोए हुए थे। और सुबह आप देखिए, और जैसे ही मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबन किया गया, उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। और उसके बाद मुकेश भाकर बाहर आए और उनका सीधे तौर पर ये कहना है, पहला तो मुकेश भाकर ने कहा कि जो मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि साहब मैंने किसी महिला सुरक्षाकर्मी का हाथ काट लिया है, तो आप मेरा टेस्ट करवा सकते हो, तो मेरे दांत भी देख लीजिए, ऐसा लगता है कि मैं किसी को काटूंगा। ये सब कुछ बीजेपी है वो विधानसभा के अंदर विधायकों के सवाल के जवाब नहीं दे पा रही है, तमाम तरीके से मंत्री है उनके वो जवाब नहीं दे पा रहे, फेल हो रहे हैं, इसी के लिए आप देखिए ये तमाम चीज़ें की जा रही है और मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये मुकेश भाकर का सीधे तौर पर ये आरोप है। और मुकेश भाकर का सीधे तौर पर, क्योंकि आप देखिए मुकेश भाकर पर जो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष है वो सीधे तौर पर बार बार यही कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, आप इस तरीके से बोलते हो ये तमाम चीज़ों को लेकर, और उन पर ये बहुत गंभीर आरोप लगे थे। और उसके बाद में आप देखिए अब है वो मुकेश भाकर ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको वो भी सुनाऊँगा। और इसी बीच कुल मिलाकर अब विधानसभा है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए मुकेश भाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्योंकि आप देखिए कल से कांग्रेस है लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही थी, धरना दिया गया विधानसभा के अंदर रात्रि के अंदर, इसी बात को लेकर दिया गया कि मुकेश भाकर के निलंबन को वापस लिया जाए, लेकिन अब निलंबन को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। क्या कुछ मुकेश भाकर ने कहा सुनिए। छात्र नेता, तुम सुधर जाओ तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई, और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेसी, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें, कांग्रेस ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें घटी, और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं, और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफ़ी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे नेता टीकाराम जूली जी, CLP लीडर, सब ने जिस मजबूती के साथ
संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे वो इनसे सहन नहीं हुआ। और बौखलाहट में आज भी आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले स्पीकर है वो वोटिंग करवाता है और उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया असंवैधानिक तरीके से किया, पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। मेरे दांत देखो काटने जैसे लग रहे हैं, उसके मैं वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तैयार बैठा हूँ खुद ही काट के। ये तो बातें बनानी है, उनके लोगों ने जो हमारी महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की उनका कुछ नहीं है, और आज ये कह रहे हैं कि हमने उनको काटा है, तो ये सब असंवैधानिक है। मैं पुनः बहाल होने के बाद भी अपनी रणनीति, अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा। जवाब सदन में भाजपा को देना पड़ेगा, चाहे परमानेंट मेरी सदस्यता ये निलंबित कर दें, लेकिन जिस रवैये से ये सदन चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।